मैं अभी राजस्थान के कोटा जिले के खजूरी ओतपुर गांव में हूं और यहां आने का जो मकसद है वो ये समझना है कि इस गांव का जो मेरे पीछे आप ये स्कूल देख रहे हैं, इसमें एक जो कथित तौर पर मामला आया कि इस स्कूल पर आरोप लगे कि यहां पर धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले जो है वो हो रहे हैं। जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, उन्होंने भी आरोप लगाया कि इस तरीके की यहाँ गतिविधियां चल रही हैं, जिसके बाद 3 शिक्षकों को यहाँ पर सस्पेंड किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जब यहाँ के शिक्षकों से हमने बात की और यहाँ के जो गांव के निवासी हैं खजूरी ओतपुर के गांव के, उन्होंने बताया कि इस तरीके की कोई गतिविधियां यहाँ पर पिछले कई सालों से या कभी भी इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई है और इस तरीके का जो मामला आया है ये एक फसाने के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 5 फरवरी को राजस्थान के कोटा जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर सांगो तहसील के खजूरी ओटपुर गांव में एक हिंदू महिला एक मुस्लिम महिला शमशू के घर जाकर बताती है कि उसका नाती लकी अली उसकी बेटी मुस्कान गौड को भगा कर ले गया है। 70 वर्षीय शमशू यह सुनकर हतप्रभ रह जाती है, लेकिन जल्द ही यह मामला गांव में हिंदू मुस्लिमों के बीच गहरी खाई खड़ी कर देता है। खजूरी ओटपुर गांव की जनसंख्या करीब 1200 है, जिसमें लगभग 400 लोग मुस्लिम हैं और सभी जातियों के लोग इस गांव में रहते हैं। गांव की एक संकरी गली शमशू के घर तक जाती है, जहां वह अपने घर के बरामदे पर बैठी थी। रोते हुए वह कहती हैं कि मैं 1.5 साल पहले ही लड़की की माँ को बता चुकी थी कि उसकी शादी कहीं कर दो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। हम साफ दिल के लोग हैं, सब यहाँ भाई बंधु की तरह रहते हैं, लेकिन इस घटना ने यहाँ पर खाई खड़ी कर दी है। शिक्षकों से हमने बात की, शिक्षकों ने भी कहा कि जिन शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें मिर्जा मुजाहिद है, फिरोज खान है और एक शिक्षिका है शवाना, उनका कहना है कि इनकी गतिविधियों में कभी भी इस तरीके का व्यवहार नहीं देखा गया है और सारे जो आरोप लगे हैं उन पर वो बेबुनियाद है। फिलहाल जो शिक्षा पदाधिकारी है जिले के, वो इस मामले की जांच कर रहे हैं और आने वाला वक्त ही बताएगा कि जिन शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है क्या उनकी दोबारा से यहाँ पर जो है वो बहाली होगी कि नहीं। 5 तारीख को मेरे भाई की लड़की मुस्कान गौड़ का 3-4 व्यक्तियों ने अपहरण किया, 3 व्यक्तियों ने। उसके बाद हम सांगोद थाने में गए, वहाँ हमने शिकायत दर्ज करवाई, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लड़की को खोजे। 2-3 दिन तक इन्होंने खूब खोजा, परिवार वालों को भी उठाया, दबाव बनाया सभी तरह से, बच्ची फिर ये इनको कोटा मिली। उसके बाद में बच्ची से मिलवाया गया तो वहाँ बच्ची ने हमसे कोई बातचीत नहीं की। उसके बाद में उसको नारीशाला में दिया, 4-5 रोज तक नारीशाला में रखी उसको। नारीशाला में हम मिले उससे तो उसने बिल्कुल रो रो करके ये कहा कि मुझे घर ले चलो, घर ले चलो, घर ले चलो। शासन ने कहा कि भाई कानूनी प्रक्रिया से ये सब होगा। उसने हमें लेटर भी दिया लिख करके हमारे पक्ष में कि मुझे ज़बरदस्ती अपहरण करके लाया गया और मैं अपने माँ बाप के साथ चलना चाहती हूँ। उसके बाद में हमने फिर यहाँ सांगोत एडीएम कोर्ट में हम गए, ज्ञापन दिया, क्योंकि वो जब वो 10वीं में उसने एडमिशन लिया था यहाँ पर, तो उस टाइम हिंदू की जगह उसमें मुस्लिम भर रखा था, तो इस लड़की को वहीं से इन्होंने बला फुसला करके मतलब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रखा था। और ये 18 साल की होने की राह देख रहे थे, वो समय देख रहे थे कि 18 साल पूरे होने के बाद में इसको भगाया जाए, और वो भगा करके ले गए लड़की को। हालांकि कोटा ग्रामीण के सर्किल ऑफिसर राजू लाल बताते हैं कि हमारे पास लड़की के अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था, हमने लड़की को ढूंढकर कोर्ट के सामने पेश किया, लड़की बालिग है और अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। कोटा के खजूरी ओटपुर गांव में जब 3 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया, सस्पेंड किया गया, तो ये मामला जब तूल पकड़ा इसकी वजह क्या थी? जो सर्व हिंदू समाज जो एक संगठन है, जो हिंदुवादी संगठन है, उसने जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, उनको एक ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने बताया कि जो स्कूल है वहां पर धर्मांतरण जैसे मामले जो है वो हो रहे हैं और लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, तब जाके शिक्षा मंत्री ने इस पर कार्रवाई की। तो शिक्षा मंत्री से जब हम प्रिंट ने बात की तो उन्होंने कहा कि इस मामले में भी कार्रवाई की जा रही है, जाँच हो रही है और अगर दोषी पाए जाएंगे तो इनको जो इनकी नौकरी है वो भी हाथ से इनकी चली जाएगी। राजस्थान के कोटा जिले की सांगोद पंचायत समिति के खजूरी गांव में
सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक बालिका की टीसी में उसका नाम हिंदू होने के बावजूद भी इस्लाम लिख दिया गया, वहां धर्मांतर का षड्यंत्र हो रहा है, वहां लवजात का षड्यंत्र चल रहा है और हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाई जा रही है, ऐसा ध्यान में आया है। जो ही मेरे ध्यान में आया, मैंने 3 शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का करने का मन बनाया है और इसी के संदर्भ में मैंने 2 अध्यापकों को तो निलंबित कर दिया है, जिसमें फिरोज खान अध्यापक लेवल 1 है और दूसरा मिर्जा मुजाहिदीन सारी शिक्षक है, इसको भी निलंबित कर दिया है और एक सबाना है उसको, उसके भी खिलाफ आगे कार्रवाई करी है। तीनों को मैंने बीकानेर भेज दिया है और मैं विस्तृत जांच कराकर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करूंगा और बर्खास्त करने जैसी स्थिति बनी तो बर्खास्त भी करूंगा। स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर कमलेश कुमार बैरवा ने बताया कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। मैं 2021 से स्कूल में हूं, लेकिन मैंने बीते सालों में निलंबित शिक्षकों के व्यवहार में कोई गलती नहीं पाई है। धर्म के आधार पर कभी भी स्कूल में भेदभाव नहीं किया गया है, ना ही स्कूल में नमाज पढ़ाई जाती है। बीते हफ्ते स्कूल के दर्जन भर से ज़्यादा छात्र कई किलोमीटर पैदल चलकर SDM ऑफिस पहुँचे और शिक्षकों की फिर से बहाली की मांग की। छात्रों के हाथों में पोस्टर भी थे जिस पर लिखा था, जितने भी आरोप लगाए वापस लो और लाना है तो लाना है, तीनों सर को लाना है। उस प्रदर्शन में शामिल 10वीं का एक छात्र शाहरुख हुसैन बताता है कि हम छात्रों ने मिलकर शिक्षकों के पक्ष में प्रदर्शन करने का फैसला किया क्योंकि शिक्षकों ने कुछ भी नहीं किया है, उन्हें फंसाया जा रहा है, वे निर्दोष हैं और काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, वहीं हिंदू और मुस्लिम एक ही क्लास में साथ बैठते हैं और खेलते हैं, लफ्ज जिहाद के बारे में तो चर्चा भी नहीं होती। 42 वर्षीय मिर्जा मुजाहिद 2016 से स्कूल में फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते हैं और उन्हें 22 फरवरी की रात को व्हाट्सएप के जरिए उनके निलंबन की खबर मिलती है। मुजाहिद ने बताया कि मैं 19 तारीख से फूड पॉइजनिंग से बीमार था और छुट्टी पर था। जब मैं 22 को अस्पताल से घर लौटा तो निलंबन ऑर्डर के बारे में पता चला और मैं हैरान रह गया, बिना किसी सूचना के कैसे मुझे निलंबित किया जा सकता है। जिन शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है उनमें एक शिक्षक जो है वो फिरोज खान है। प्रिंट ने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये सारे जो आरोप है वो बेबुनियाद है और सिर्फ उन्हें इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम धर्म से आते हैं। उन्होंने कहा कि ये टारगेटेड हमला है और इस तरीके की कोई भी चीज़ उन्होंने ना कभी क्लासरूम में लव जिहाद के बारे में पढ़ाया, ना धर्मांतरण के बारे में पढ़ाया और जिस लड़की से ये मामला उठा, कहने उनका कहना है कि वो उनको जानते भी नहीं है और ये मामला जो है ये गांव का मामला था जिसे एक स्कूल का मामला जो है वो बना दिया गया। इस घटना के बाद गांव में शांति पसरी रहती है और इन दिनों पुलिस भी बार बार गांव के चक्कर लगाती है। हालांकि हिंदू संगठनों ने इस मुद्दे के खिलाफ 21 फरवरी को SDM कार्यालय तक जुलूस निकाला और चेतावनी दी थी कि अगर मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो स्कूल पर ताला लगा दिया जाएगा। बजरंग दल के प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल बताते हैं कि गांव में इस तरह की घटना काफी समय से चल रही थी और स्कूल के शिक्षक इसमें शामिल हैं। कांग्रेस के शासनकाल में इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना ने आपस में लोगों का भरोसा कम कर दिया है और सालों से साथ रहने वाले लोग ही अब एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं। इस गांव में चल रहा है जो भी, सभी शांति से रहे और तो यही चाहते हैं सब अच्छे से, जो भी माहौल चल रहा है गांव का सब शांति फिर भाईचारे से रहे, यही चाहते हैं। जो तो मामला आया है इस तरीके का, कभी कोई घटना हुई है कि इस तरीके की कोई चीज़ पहले कभी आई है? नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं सामने आया हमारे। क्योंकि जो मामला है उसमें जो आरोप लगाया जा रहा है कि वो धर्मांतरण का मामला है, लव जिहाद बोला जा रहा है कि वह पहला फुसला के धर्म के बारे में पढ़ाने की बात हो रही है, आप लोग मानते हैं कि इस गांव में इतने? नहीं, हमने कभी नहीं सुना ऐसा कुछ इस गांव में कि ऐसा कुछ हो रहा है, पर हमें तो पता नहीं।